सलाम। नाम साहब भाई, ये कन्फ्यूजन इस बात से हो रहा है कि जो पीरियड्स के अंदर औरतें रोजे रख सकती हैं, अगर रख रही हैं और अगर नहीं रख रही हैं तो क्या बाद में पूरे करने हैं? नहीं, मैंने तो अभी अभी बताया था ना कि देखिए, जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत भी बताता है कि जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि जब वो एक खास एक आयत जिसमें मैंने बताया घिर जाता है, अब वो एक कंडीशन सरकमस्टांस है, वो आपकी विल से तो नहीं हुआ है ना, आप ऐसे स्पेस में चले जाएँ या ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऐसे सरकमस्टांस चला हो गया कंडीशन जिसमें औरतों की तहारत ही रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान बताते हैं मेंस्ट्रुएशन की आयत, अगर आप अगर उस रेफरेंस से देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के साथ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि औरतों की जो तहारत नहीं रहती मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो है सूरह बकरा 2:222 आयत है, वयसअलूनका अनिल महीद, और तुझसे सवाल करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कुल हुआ था वो एक अजियत है, फातज़िलुन निसा फिल महीज, बस तुम औरतों के ज़माने हैज में अलहदिया इख्तियार करो, वला तकरबुहुन्ना हत्ता यतहुन्ना, उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि उनकी तहारत हो जाए, फ़ैदा ततहरना फातूना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, तुम उन करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो ताहिर कर लें, पर जब उनकी तहारत हो जाए बस उनके पास आ जाओ जहाँ कहीं से अल्लाह ने तुमको अमर किया है, बेशक अल्लाह और तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और मुताहिर लोगों से मोहब्बत करता है। अब देखिए, यहाँ वैसे तो आयत में लगता है, कुरान में तो मर्दों से कहा जा रहा है तुम औरतों के करीब मत जाओ जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आ जाए, लेकिन आप सोचिए यानी अल्लाह ताला मर्दों को मना कर रहा है और अल्लाह ताला कह रहा है औरतें मुताहिर नहीं है, तो अल्लाह की बात या अल्लाह का कलाम और अल्लाह के लिए रोजे रखना तहारत और तकवा के लिए होते हैं तो उस जमाने में वो छोड़ सकती हैं, छोड़ देना चाहिए बल्कि, क्योंकि मुताहिर नहीं है वो, तो आपके अंदर फीलिंग ही प्योरिटी नहीं हो रही तो उस जमाने में आप छोड़ दें, तो इसके माने ये एनवायरनमेंट में आप युतीकूना हो गई, यानी कि ऐसी तौक में आ गई, ऐसी कंडीशन में आ गई जो आपकी विल के खिलाफ था, तो बाद में आप उसकी आपके पास ऑप्शन है, या तो आदमी को खाना खिला दें या रोजे रखना, रोजे रखना बेहतर है, तो ये इसका है। सलाह को रिपीट नहीं करना है, कुरान मजीद ने सलाह अगर छोड़ देती हैं औरतें तो उनका रिपीटेशन नहीं है, यानी आपको पता होगा सलाह अगर आ जाते तो सलाह छोड़ दें, लेकिन इसका कुरान मजीद में लिखा है कि ऐसी कंडीशन अगर जैसे मैंने बताया कि स्पेस में है मर्द हजरात या लेडीज़ भी अगर स्पेस में, या ऐसी कंडीशन जिसमें आपके हाथ में कंट्रोल ना हो, या 6 महीने दिन हो रहा है रात दिन का फ़र्क नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप रोज़े तो नहीं रखें, लेकिन आपको पता है मुझे रोज़े तो रखने मेरे पे फ़र्ज़ तो हैं, कंडीशनली मैं प्रॉब्लम में आ गया, तो या बाद में कोई ऐसी कंडीशन में आ जाऊँ जहाँ रात दिन का फ़र्क आ रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं आदमी को खाना खिला दूँ या फिर मैं रोज़े रख लूँ, और रोज़े रखना बेहतर है। इसी तरह लेडीज़ का है कि अगर वो खाना खिलाना चाहती है आदमी को खाना खिला दें या रोजे रखना बेहतर है, रोजे तो यही जो लॉ है जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और उस दौरान भी वो रोजे नहीं रख सकती तो बाद में पूरे करने, हाँ नहीं आप वो देखिए, आप जब वो प्रेगनेंसी में भी वो देखिए, आप पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, अगर अल्लाह ताला ने जो मुझे डॉक्टर से जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जब भी प्रेगनेंसी होती हो तो अपनी सेहत के अंदर जो भी उसकी कमज़ोरी तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है औरत, यानी प्रेगनेंसी डेज में औरतें अपनी जो उनकी सलाहियत थी कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से काफ़ी चीज़ें ताकतवर हो जाती हैं, उनके अंदर ये सिस्टम बढ़ जाता है, उनकी रेजिस्टेंस पावर हर चीज़ में ज़्यादा हो जाती है, ये तो मुझे डॉक्टर्स ने बयान बताया, ये मुझे आप पता भी कर लीजिएगा। अब अगर फर्ज करिए किसी कंडीशन में उसकी खून की कमी हो रही है, रेड ब्लड का ब्लड का जमूमन प्रॉब्लम आता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है किसी वजह से, कोई ना कोई बीमारी कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से उसको वो नहीं कर सकती कि उसको, क्योंकि बच्चे को भी फीड जा रहा होता है, तो वो आप मेडिकल एडवाइस लेके डॉक्टर से एडवाइस लेके अगर वो समझता है तो वो छोड़ दे, और अगर सेहतमंद है रख सकती है तो रख ले, कोई बच्चे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, वो भी कंडीशन समझे कि अगर वो समझ रही है कि अगर समझ रही है तौक में ऐसी कंडीशन में आ गई हूँ कि बच्चे पे इफेक्ट आ जाएगा और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो वो फिर बाद में उसको पूरे कर ले, और अगर वो डिलीवरी है वो भी वैसे उस जमाने में भी वो बाद में कर ले पूरे, डिलीवरी के ज़माने में अगर रमज़ान आ गए, यही कहना चाह रही हूँ ना, तो वो भी एक कंडीशन हो गई ना उसकी, तो जब भी तौक की कंडीशन में आ जाएगी लड़की, खवातीन आ जाती हैं तौक की कंडीशन में, सरकमस्टांशियस जब भी उससे सरकमस्टांशियस वहाँ पर रखा गिर जाएँ वो औरतें तौक में आ जाए, तौक कहते हैं ना गर्दन में वो तौक डाला, हाँ फंस गया आप उस सिचुएशन में, सर इंसल्टेड हो गए
तो वो फिर बाद में पूरे कर लें। और बाद में भी दो ऑप्शन है कि अगर आप खाना भी खिला सकते हैं और आप रोजे भी रख सकते हैं। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।